हेलो भाई, मैं उम्मीदवार। आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्कॉर्पियो एन के सारे इन्फोटेनमेंट के फीचर्स। अब आप उसको इन्फोटेनमेंट कह लो, म्यूजिक सिस्टम कह लो, उसको डेक कह लो, या फिर उसको कुछ भी स्टीरियो कह लो, मतलब अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग उसको चीज़ कहते हैं। मतलब मेन पर्पज़ उसका वही रहता है, गाड़ी में जो भी टेक्नोलॉजी का मेन एक वो होता है ना कि यहाँ पे सारे फीचर आपको मिलेंगे म्यूजिक रिलेटेड या एप्पल कार प्ले एंड ऑटो, वो सब उसमें आएंगे। तो अभी स्कॉर्पियो एन ये टॉप वेरियंट है भाई, Z6, Z8, Z8 लग्जरी सब में वही वाला जो इन्फोटेनमेंट है वो आ रहा है, जो 8 inches का है। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ स्कॉर्पियो एन के अंदर और सारे डिटेल में आपको फीचर समझाता हूँ। ओनर्स मैनुअल कहाँ तक आप लोग पढ़ते रहोगे, इसलिए मैंने सोचा एक इंटरव्यू वीडियो दी जाए आपको, जिसमें डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा क्या मेन फीचर्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। अभी करंटली आज की डेट में, आज की तारीख है भाई 12 अक्टूबर 2022, और अभी तक भी इसमें क्या क्या फीचर्स अभी तक आपको मिल रहे, क्योंकि महिंद्रा का क्या है ना, ये धीरे धीरे जैसे X57 वालों में पहले एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार्प्ले कुछ नहीं आता था, लेकिन अब सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू वो चीज़ डाल दी गई है, क्योंकि इनके कुछ लाइसेंस वगैरह में इशू होता था, वहाँ से लाइसेंस नहीं मिलता था इनके जो इन्फोटेनमेंट है, तो अब मिल गया है। अब लेकिन इसमें अभी भी क्या फीचर्स आ रहे हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ करंटली तक, क्योंकि आने वाले टाइम में बढ़ सकते हैं, वो मैं मेन चैनल पर या फिर इस चैनल पर आपको दिखा दूंगा, आप सब्सक्राइब इसको जरूर से कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो जब भी हम गाड़ी को अनलॉक करके इसके अंदर बैठते हैं ना, मैंने रात इसलिए चुनी है क्योंकि उसमें डिस्प्ले में अच्छी तरह से दिख जाएगा भाई कि क्या क्या उसके अंदर फीचर्स हैं। दिन में थोड़ी सी डिस्प्ले में दिखता नहीं है, इसलिए कैमरे में आपको डिटेल में ढंग से समझ आए, तो इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो, जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठ जाते हो ना, तो इसमें वेलकम फंक्शन तो है नहीं जो है पीछे जाए, तो इसमें क्या है, जैसे ही मैं डोर बंद करूंगा तो आप इसको पता चलेगा कि जो ओनर हैं गाड़ी के आ चुके हैं, तो यहाँ पे एक स्क्रीन सी बनी आती है, लेकिन ये भी मूड ही है भाई, कभी आती है कभी नहीं आती। मतलब मैं अभी तक भी, मतलब मेरे को इसको ऑन करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, लेकिन मैं अभी तक भी नहीं जस्ट समझ पाया कि कब आती है, क्योंकि अभी आपके सामने मैं बहुत देर में इस गाड़ी के अंदर बैठा लेकिन फिर भी नहीं आई। तो कुछ तो सिस्टम है, जबकि चाबी मेरे अंदर ही रखी हुई है। खैर छोड़ो भाई, सबसे पहले तो इसके अंदर ये डिस्क्लेमर बन के आता है, ड्राइवर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ व्हीकल ऑपरेशंस, और ये अपना चालू हो जाता है। मेरे को इसकी एक अच्छी चीज़ ये लगती है कि भाई ये बूट वूट नहीं होता, मतलब जैसे बहुत गाड़ियों में से लोगो बन के आता है घनी देर तक, उसके बाद जो है अपना चालू होता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं रहता है। तो जो इसकी मेन होम स्क्रीन आती है ना, वो कुछ इस तरीके की आपको मिलेगी, जो आपने महिंद्रा की दूसरी बाकी गाड़ियों में देखा ही होगा। बाकी इसके बारे में मैं और डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि बेस में क्या फीचर्स मिलता है, हम इस पर स्टक करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा इसके अंदर ना, ये आपको 8 inches की मिल रही है, तो इसके अंदर आपको यूजर इंटरफेस जो मिलता है ना, वो वही वाला जो आपने X57 वगैरह में देखा होगा, हम डिटेल में आज इसकी बात करने वाले हैं। तो अभी बेसिक इससे समझते हैं होम स्क्रीन से। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे आपको दिखता है इसके अंदर आपकी डेट क्या है, 12 अक्टूबर 2022। यहाँ पे इसके अंदर एक सिम भी लगी हुई है, जिस जो आपको यहाँ पे मतलब ऐसे गाड़ी का बना रहा है ना, तो यहाँ पे एक सिम है इसके अंदर इनबिल्ट, जिससे एलेक्सा वगैरह चलता है। यहाँ पे FM चल रहा है, क्या चल रहा है वो सब पता चलता है। यहाँ पे प्रोफाइल आपकी आती है, यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह आप खोल सकते हो, इनमें भी हम लोग चलेंगे होम स्क्रीन। और यहाँ पे जो ये है ना सेल्सियस, मतलब बाहर का टेम्परेचर क्या है, या फिर आप अपना जो AC का क्लाइमेट कंट्रोल है वो भी आप यहाँ से छेड़ सकते हो, लेकिन उसके लिए गाड़ी स्टार्ट होनी चाहिए, हमारी गाड़ी अभी तक बंद है। तो इसके अंदर जब आप टेम्परेचर छेड़ रहे हो, जो यहाँ से भी कुछ भी कर रहे हो, तो सब कुछ यहाँ पे बना आता है, जैसे भी आप देख सकते हो, जैसे अपना इसमें ड्यूल जोन है तो यहाँ पे 18 degrees सेल्सियस हो गया, पे अलग अलग हो गया, इस तरीके का इसमें ये वाले फीचर्स भी आते हैं, लेकिन इनका अलग काम हो गया, तो इनको अभी हम नहीं छेड़ेंगे, यहाँ पे आपको इसका पता चलता है। और यहाँ पे आपकी मतलब ड्यूल जोन है, तो यहाँ पे ड्राइवर साइड का आपको टेम्परेचर फैन स्पीड पता चलती है, और यहाँ पे आपको पता चलता है को पैसेंजर साइड का। तो अभी हम इसको ऑफ कर देते हैं इसी को, तो यहाँ पे ऑफ हो गया, यहाँ पे कुछ भी हमको देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो ये होम स्क्रीन भाई बेसिक आती है, जहाँ पे रेडियो है, एंड्रॉइड ऑटो है, म्यूजिक है। अभी बहुत भाइयों को क्या इसमें दिक्कत आ रही है ना, जब उन्होंने गाड़ी ली थी तो इसमें एंड्रॉइड ऑटो नहीं है उनकी में, क्योंकि वो अपडेट बाद में आया है। तो डिलीवरी से पहले कुछ डीलरशिप्स ने तो गाड़ी देने से पहले ही अपनी सारी गाड़ियों में ये अपना वो कर दिया था, पेन ड्राइव वगैरह लगा के अपना जो अपडेट होता है उसमें एंड्रॉइड ऑटो आ गया, लेकिन कारप्ले अभी भी मिसिंग है। आप देख रहे हो कहीं भी आपको अपना कारप्ले वाला ऑप्शन नहीं मिलता है। अभी मेरे को एक डाउट होता है, कारप्ले जब X57 आई थी ना उसमें ऐसे बन के आता था, लेकिन वो डिम सा रहता था, बुझा ऐसे कमिंग सून लिखा आता था, लेकिन इसमें कमिंग सून या एंड्रॉइड ऑटो का कहीं ऐसे मतलब सॉरी एप्पल कारप्ले का कहीं नामो निशान भी नहीं रहता, तो थोड़ा सा शक पैदा करता है अंदर, यार आएगा अभी नहीं भी आएगा, तो ये वाली शिकायत लगती है। अभी मैं आपको सारा कुछ एंड्रॉइड ऑटो वगैरह सब कुछ चला के दिखाने वाला हूँ इसके अंदर, लेकिन स्टार्ट करते हैं अगर हम इस वाले से, जैसे फोन वगैरह का थोड़ा एंड्रॉइड वाला सिस्टम इन्होंने कर रखा है इसमें, तो यहाँ पे आपको काफी फीचर्स देखने को मिलेंगे। जैसे आप इसको नीचे से स्क्रॉल करते हो, सेम यूनिट आप उसमें मान सकते हो जो इनके X57 है, उसके लिए भी वीडियो जा सकती है। अभी देखिए यहाँ से अपना जो वॉल्यूम का है वो मेन जाता है, ये देखिए यहाँ से वॉल्यूम का आप कर सकते हो, वॉल्यूम का आप यहाँ से भी अपना कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन एक ऊपर से भी इन लोगों ने दे रखा है। उसके बाद यहाँ पे एक SOS का बटन आता है, जो वही भाई इमरजेंसी असिस्टेंस वालों को एक कॉल कर देता है, लेकिन ये वही वाली चीज जैसे मैंने एक बार और वीडियो बना रखी है इसके ऊपर, कि जो ये नंबर मिलाता है ना ये इनवैलिड है, मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट कॉल पे देखना आप, ये नंबर नहीं मिलता है, मतलब कहने का मतलब ये है, मिल जाए तो अच्छी बात है, X57 में मैंने करा था उसमें नहीं मिला था।
The number you have dialed is currently busy. Please try later. चलो मेरे ख्याल से अभी इन लोगों ने सुधार दिया है इसको ले, क्योंकि भाई पहले जब मैंने करा था ये इनवैलिड नंबर बताता था, तो सही है महिंद्रा ने इस चीज पर ध्यान दिया कि यार 108 नंबर मिलता ही नहीं है। उसके बाद अभी हम बात करते हैं रोड, इसको मैं बेवजह ना मिलाएं, अभी मैं अगर कोई कॉल आती है तो मैं कह दूंगा कि गलती से लग गया था। अभी रोड साइड असिस्टेंस की बात करते हैं अगर हम, तो यहां से महिंद्रा जो महिंद्रा रोड साइड असिस्टेंस है उसके पास से बताता है कि कॉल मिलेगा, लेकिन ये कहां पे मिलेगा, ये उनके पास ही जो महिंद्रा की टीम है उनके पास मिलेगा जाके। अभी बात करते हैं उनसे एक बार। हेलो 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 हेलो, ये तो हमारी उड़ी हमारी वापसी आवाज सुनाई दे रही है, इस पे हो गया कुछ टेक्निकल इशू होगा पता नहीं पीछे से। अब इसके अंदर आता है एक वैले मोड, भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है वैले मोड, मतलब आपने ड्राइवर को किसी को गाड़ी दी तो वो आपकी गाड़ी में कुछ ना छेड़े, इसलिए ये वाला जो मोड है इसके अंदर दिया गया है। अब इसमें बोल रहा है प्लीज एंटर द 4-डिजिट मास्टर पिन। अभी भाई मैंने ना पूरी इस ओनर मैनुअल में जो इसके अंदर ये मैनुअल आ रही है इसमें पूरी मैं तलाश मार लिया था वीडियो बनाने से पहले कि ये है कहाँ पे भाई, तो ना तो मेरे को एक क्विक स्टार्ट गाइड में मिला है, ना मेरे को ओनर्स मैनुअल में मिला है। तो किसी भाई को अगर पता हो ना कि मतलब कहाँ पे है ये कहाँ पे नहीं, तो मेरे को जरूर बताना। अब भाई इतनी मोटी बुक है, मैं एक एक पेज को तो ऑब्वियसली नहीं पढ़ सकता, लेकिन मैंने यहाँ से जाके पूरे में चेक कर लिया कि इन्फोटेनमेंट वाला सेक्शन का, इसमें इन्फोटेनमेंट के फीचर्स ही नहीं है ओनर्स मैनुअल में, इसके हैं पूरे के पूरे, सब कुछ है इसके अंदर, लेकिन जो अपना ये इन्फोटेनमेंट है इसके फीचर नहीं है, तो मेरे को जरूर बताना। इसके बाद ही हम अपना जो पिन है वो बना पाएंगे और इसके बाद ही हम वैले मोड एक्टिवेट कर पाएंगे, उसके बाद मैं देख पाऊंगा कि वैले मोड में होता क्या है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन आती हैं अपनी, जो भी नोटिफिकेशन गाड़ी में रहेंगी, अभी कोई भी अवेलेबल नहीं है तो वो यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे हेल्प की बात करते हो तो यहाँ पे वही ओनर्स मैनुअल हो गया, यहाँ पे नो कंटेंट अवेलेबल है, ये मतलब वही ऐसा फालतू की चीज़ है। इसके अलावा मेन जो अब ये वाली चीज़ है ना, ये है एक तरीके से सोर्स कि आपको क्या चीज़ बजानी है। तो इसमें आप देखिए, एक आता है एंड्रॉयड ऑटो, एक आता है माई ड्राइव। माई ड्राइव क्या है, जो आप इसमें पेन ड्राइव लगा दोगे यहाँ पे तो वो वाली जो चीज़ है रहेगी वो यहाँ पे बजेगी, वो यूएसबी वाली वही चीज़ होगी। यहाँ पे ब्लूटूथ हो गया, आईपॉड हो गया और यहाँ पे वीडियो वाला सेक्शन हो गया। जब पेन ड्राइव में आपके में वीडियोज रहेंगी तो वो भी आप चला सकते हो। अभी जो आईपॉड है ना, मेरे से इससे शिकायत होती है। अभी आईपॉड वाली चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट सबके पास ही भाई यहाँ पे ना एप्पल फोन्स हैं यार, क्योंकि आजकल मतलब सेल में अच्छे भले मिल जाते हैं तो वही यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक बार अपना इनके पास दिखाना, एक एप्पल का फ़ोन है, ये देखिए ये एप्पल है। तो कायदे से होना क्या चाहिए था, 26 लाख रुपए गाड़ी में पे एप्पल कार प्ले, बट नेवर माइंड भाई ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं इसको वो करना, अनलॉक कर दो फ़ोन को एक बार ना, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा क्या आएगा लिख के। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे कनेक्ट हो गया, अभी यहाँ पे देखिए आएगा रीडिंग आईपॉड, यहाँ पे आईपॉड डिवाइस एम्प्टी आ रहा है। तो यहाँ पे मतलब मेरे को तो यार ये रीड कर लेता है, आकाश वगैरह के भी मैंने ट्राई करा है उनका भी रीड नहीं करता। एक बार मैं दोबारा ट्राई करता हूँ आईपॉड डिवाइस, यहाँ पे देखो चार्जिंग चालू हो जाती है, मेरे को आईपॉड डिस्कनेक्टेड हो गया है, रीडिंग आईपॉड, आईपॉड डिवाइस एम्प्टी बोल रहा है। मैं अगर यहाँ से गाना चलाने की एक बार ट्राई करूँ, ये एम्प्टी बता रहा है इसको, यहाँ पे आईपॉड वाला रीड नहीं करता ये, कोई कोई आईफोन को कर लेता है, कोई कोई या तो ये सेटिंग छट रही होगी ऐसा कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे भाई ये एप्पल को इसको रीड नहीं कर रहा है। तो आईपॉड वाली चीज हो गई। इसके बाद चलो आप रहने दो, आपका एप्पल कारप्ले अभी जब आएगा बाद में तब हम आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। ये वाले फीचर्स हो गए। अब यहाँ पे ये आपका जो भी आपको मोड सेलेक्ट करना रहता है, ब्लूटूथ से अगर हम कनेक्ट कर लेंगे तो ब्लूटूथ से बढ़िया गाने बजते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। प्लस यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, मतलब अगर आपने कोई भी कनेक्ट चीज कर रखी है। अब आते हैं मेन इन चीज़ों पे, फिर हम उसकी तरफ बढ़ेंगे एप्लीकेशंस वाले सेक्शन पे कि एप्लीकेशंस में क्या है। ऊपर ये होता है, यहाँ पे आता है अपना रेडियो, इन पे किसी पे भी क्लिक कर दो आपको अलग अलग यहाँ पे स्टेशंस वगैरह मिल जाएंगे, 91.5, 93.5, रेड मिर्ची विर्ची जो भी इनका रहता है 95, और ऐसा मतलब आप चेंज कर सकते हो। इसका जो रेडियो का वो है भाई अपना खींचने का, वो भी बढ़िया मतलब क्लियर आवाज आती है, ये देखो खूब बढ़िया आवाज आती है, मतलब जो इसका रिसेप्शन है वो काफी सही लगा मेरे को तो देखने में। यहाँ पे स्टेशन वगैरह आप देख सकते हो, जो आपको फेवरेट करने वो आप यहाँ से देख सकते हो। एम वगैरह भी इसके अंदर आता है, जो कि मेरे ख्याल से कोई यूज करता होगा। मेन है भाई अब एंड्रॉयड ऑटो की बात, यहाँ पे बताता है वाया यूएसबी कनेक्ट कर लो या फिर अपना ब्लूटूथ से स्टार्ट कर लो एंड्रॉयड ऑटो, यानी कि इसके अंदर वायरलेस अपने को एंड्रॉयड ऑटो मिल जाता है। अभी एंड्रॉयड ऑटो के लिए मेरे पास एंड्रॉयड फोन एक अवेलेबल है, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसकी केबल हमको अलग ढूंढनी पड़ेगी। मैं अभी पहले आपको केबल से कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको इसको उससे भी कनेक्ट करके दिखाऊंगा अपना वायरलेसली तरीके से। तो यहाँ पे मैं इसको करूंगा भाई, इसमें लगाऊंगा, यहाँ पे अपना ये लग गया है। और इसके बाद हाँ, एक भाई कमेंट आई थी मेरे पास कि यार आप इतना महंगा वो ले सकते हो,
गाड़ी ले सकते हो कि एंड्रॉइड फोन नहीं ले सकते। जब मैंने कहा था कि अरे यार मैंने एक स्टोरी लगाई थी महिंद्रा वालों प्लीज इसमें कार प्ले दे दो, तो एंड्रॉइड ऑटो में क्या रहता है ना, आपको एक ऐप अलग से डाउनलोड करना पड़ता है जिसका नाम रहता है एंड्रॉइड ऑटो। तो एप्पल का एप्पल में तो ऐसा कुछ भी कार प्ले वार प्ले नहीं करना पड़ता, तो जब हम ओके करेंगे कंटिन्यू करेंगे तो जो एंड्रॉइड ऑटो है ना वो आराम से चलने लग जाता है। देखिए इस तरीके से अपना चलने लग गया, लेकिन वही वाली दिक्कत है एंड्रॉइड ऑटो थोड़ा सा स्लो रहता है कंपेरेटिवली, और तो वो वाली समस्या तो आपको देखने को मिलती है। तो हमें यहाँ पे सब कुछ अलाव वलाव करना पड़ेगा, तो आराम से ये अपना चलने लग जाता है। फोन बुक डाउनलोड कंप्लीट हो गई अपनी, आ जाओ कैसे नहीं आ रहे हो, शर्मा रहे लगते हैं ये ऐप्स। ये देखो पूरा सब कुछ आ गया है, गाना पॉडकास्ट और ये सारा कुछ आ गया है इसके अंदर, और गूगल मैप्स वगैरह का है। ये फोन में कौन से ऐप इंस्टॉल है उस पर भी मैटर करता है। अरे मेन चीज मैप्स कहाँ है, तो मैप्स तो अभी इसमें दिख नहीं रहे हैं भाई, इसमें तो फोन में तो होंगे ही, एंड्रॉयड फोन है ये तो, इसमें तो मेरे ख्याल से होने ही चाहिए। ये हमारा ऐसे ही नकली फोन है यार, ये ऑफिस पे यहाँ पे पड़ा रहता है, तो मैं मतलब इसको गाड़ी में परमानेंटली नहीं रख सकता ना, क्योंकि ये इस पे बहुत जरूरी काम रहते हैं। ये देखो मैप्स इसके अंदर तो है लेकिन इसमें नहीं दिखा रहा यार। मैप्स के लिए तो हम मोस्टली यूज करते हैं ये एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वगैरह, हो सकता है इसी में दिखा रहा हो। बाकी मेरे पे दूसरा फोन भी है जो उसमें मैं वायरलेसली कनेक्ट करके देखूंगा, तो इसको भी देखूंगा एक बार ना। चलो इसको हटाता हूँ भाई मैं, फिर वायरलेस वाले को, फिर मैं थोड़ा सा ये वाला फोन को दूसरे वाला जो है अपना इसको कनेक्ट करके देखता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ वायरलेसली किस तरीके से चलेगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ब्लूटूथ एक्टिवेट करो, ठीक है, ब्लूटूथ से इसको कनेक्ट करो। तो यहाँ पे मैं फोन में जाओ सेटिंग्स के अंदर, इनेबल ब्लूटूथ, और आपको ये एक चीज टिक करनी होती है। अच्छा इससे कनेक्ट हो गया ये मेरे वाले से, छोड़ो इसको हटाओ, और ऐड डिवाइसेस में करूँगा, इसको भी हमको एक्टिवेट करना पड़ता है कि ये भी दूसरे उसमें दिखे। ये वाला फ़ोन ही है, देखो आ गया ना पेयर का ऑप्शन, यहाँ पे मैं पेयर करूँगा, यहाँ पे मैं कंफर्म करूँगा प्रोग्रेस कनेक्टेड। अब ये कनेक्ट हो गया है, अलाउ कर दूँगा इसको मैं यहाँ से। अब अलाउ अलाउ करने के बाद देखो, टू सेलेक्ट एंड्रॉइड ऑटो ऑन योर कार स्क्रीन, तो मैं इसको करता हूँ कंप्लीट और एंड्रॉइड ऑटो पे क्लिक करूंगा मैं। अरे हो जाना पेयर, अरे नहीं यही तो करना है, रुको रुको रुको, थोड़ा यार वायरलेस का कंफ्यूजिंग सा रहता है, एक बार पेयर हो जाए ना फिर तो गाड़ी में बैठते अपने आप पेयर हो जाता है। लग रहा है वीडियो एक घंटे की ना बन जाए ये, लेकिन स्कॉर्पियो वाले जो भी भाई हैं देखते रहना थोड़ा, इनको भी मतलब इंटरेस्ट हो अगर। अरे हो जा यार इनमें, मेरे को इसीलिए ना थोड़े वायरलेस कम समझ आते हैं, मतलब वायर घुसाओ और सारा डाटा इसमें पाओ। वायर्ड होने का फायदा भी रहता है, आपका फोन भी वायरलेसली चार्ज होता रहता है। हाँ हो रखा है ना, तो कनेक्ट हो गया, अलाउ कर दूंगा और हो जा कनेक्टिंग। अब ये बोल रहा है टू कंटिन्यू सेलेक्ट एंड्रॉइड ऑटो ऑन योर कार स्क्रीन, देखो और कुछ नहीं आ रहा इसके अंदर, यहाँ पे आ ही नहीं रहा कुछ भी ऐसे, उसके लिए कुछ मांग ही नहीं रहा, ये चल जाता है यार वायरलेस इसके अंदर ना। अब देखो भाई एक बता रहा है यहाँ पे कार के नेटवर्क्स, एक तो आईफोन का कैमरा इतना ब्लर कर रहा है ना, और एक दिखा रहा है आपका जो फोन का है इसमें 7% चार्जिंग है, तो वो भी बताता है कि आपके फोन में कम चार्जिंग है, तो वो भी कर लो। अबे भाई इतनी 10 घंटे लगाए गए कनेक्ट होने में, तो मतलब ऐसे वायरलेसली भी चल जाता है, वायर के थ्रू चल जाता है। मेरी तो पर्सनल रिक्वायरमेंट कार प्ले की है यार, कार प्ले आ जाए तो जिंदगी में मजे से आ जाए। बगी है बगी, ये तो बगी है यार, अभी बार बार फोन में भी वही चीज आ जा रही है। डोंट शो अगेन कर देता हूँ इसका, तो ये नहीं होगा आज की तारीख में ना, सॉरी भाइयों। और इसमें बार बार ये आता रहता है, यू आर यूजिंग एड्रेनोक्स सिस्टम विदाउट इंजन रनिंग प्लीज स्टार्ट द इंजन, तो बार बार बोलता है कि अपना आपकी बैटरी वीक हो जाएगी, तब इसको कैंसिल करते हैं। म्यूजिक का जो भी आप ब्लूटूथ से गाना बजा रहे हो वहां पे दिखता है, ये फोन आ जाता है फोन बुक वगैरह जब भी ब्लूटूथ से कनेक्ट रहेगा। और यहाँ पे नेविगेशन है, नेविगेशन इसकी ना बड़े शहरों में अगर आपको जाना है तो वहां पे ठीक काम करती है, छोटी गांव वगैरह की गलियों में मतलब जो अपना गूगल मैप्स है उसके बराबर तो नहीं है, लेकिन मान लो मेरे को सोहना गुरुग्राम डिस्ट्रिक्ट जाना है तो हमको ये डेस्टिनेशन सेलेक्ट करनी पड़ती है, फिर इसमें इसको और बताओ कि कहाँ पे जाना है तो हम ये भी सिलेक्ट कर देंगे, उसके बाद स्टार्ट करते हैं तो ये यहाँ पे निकल के आ जाता है। प्लस ये नेविगेशन फिर यहाँ पे भी चलने लग जाती है, अगर हम यहाँ से जाके पेज वाले सेक्शन से जाके अगर मैं नेविगेशन में जाऊँगा तो वहाँ पे वो वाले सिस्टम आ जाता है इसका नेविगेशन खुल के, तो ये भी काफ़ी एकदम देखने में अच्छा लगता है। ये मैं नेविगेशन पे एकदम जैसे यहाँ से क्लिक करूँगा ना और बटन से, तो ये नेविगेशन यहाँ पे भी आ जाती है खुल के, तो ये काफ़ी अच्छा सा लगता है। लेकिन इसकी दिक्कत ये है कि भाई ये चलो इसके बारे में बाद ही बताऊँगा, तो ये यहाँ पे बन के आ जाता है, मतलब इतना एक्यूरेट नहीं रहता, इसको ना लाइव पता रहता है कि ट्रैफिक कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, ये इतना एक्यूरेट नहीं रहता, तभी मैं बोल रहा हूँ कि कार प्ले इज मच बेटर ऑप्शन। इसके बाद आता है एप्लीकेशन वाला सेक्शन। अभी जब मैं एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगा ना तो देखने में तो भाई ऐसे लगता है कि ओ माय गॉड कितनी सारी एप्लीकेशंस है, लेकिन काम की कितनी है वो भी आप खुद देखते जाना। सबसे पहले आता है ऐड फोल्डर, जो कि किसी काम का नहीं है। इस फोल्डर का हम क्या करेंगे मेरे को नहीं समझ आया आज तक भी, मतलब मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ। न्यू फोल्डर के अंदर हम जाते हैं,
टू ऐड करने प्लीज, मतलब नहीं है काम के, आप कोई भी एप्लीकेशन वगैरह उठा के यहाँ से डाल सकते हो। ये सब काम मेरे ख्याल से गाड़ी में जो कुछ घनाई वेल आदमी होगा वो करेगा। यहाँ से क्लाइमेट कंट्रोल आता है, वो एसी वाला सिस्टम जो आप यहाँ से भी नॉर्मली जा सकते हो। तो ये के वाले से बहुत ज़्यादा दिखाने के लिए फीचर्स यहाँ पे ऐड करा गया है। अगर हम कनेक्टेड ऐप्स में जाते हैं तो यहाँ पे आप देखना कि क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। पहली बात तो ये खुल जाए वही बहुत बड़ी बात है, मतलब ये भाई बहुत टाइम ले लेते हैं खुलने के लिए। अभी आप देखते रहना कितना टाइम लेंगे ये, मतलब ऐसे वीडियो ही आप कहोगे कि भाई कितनी लंबी डाल रहा है, लेकिन भाई मेरा कसूर नहीं है, ये खुलते ही नहीं है। देखो कुछ नहीं आ रहा, आएगा भी नहीं, क्योंकि मैं कर चुका हूँ भाई एक्सपीरियंस ना, बहुत टाइम हो गया गाड़ी को भी रखते रखते, और आदमी करता ही क्या है, गाड़ी में बैठ गया ये सब छेड़ा छेड़ी लगा ही रहता है। तो अभी आपके सामने ये नहीं खुलता भाई, और खूब अच्छे वाले फुल नेटवर्क आते हैं हमारे गाँव में, तीनों एयरटेल जियो वोडाफोन सबके ही फुल नेटवर्क आते हैं। और अभी चलो ये तो खुल नहीं रहा, डॉक्यूमेंट्स में अगर हम जाते हैं तो देखते हैं क्या डॉक्यूमेंट्स है, कोई भी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर आप यूएसबी लगा दोगे तो वहाँ पे अगर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह रहेगी तो वो जरूर से खुल जाएगी। अब मेरे ख्याल से लैपटॉप और वो सब तो किसी आदमी के पास हो गई, गाड़ी में तो वो डॉक्यूमेंट क्यों ही देखेगा। अभी अगर मैं डाउनलोड मैनेजर में जाता हूँ तो यहाँ पे भी एक बार देख लेते हैं भाई नज़र मार के, ये खुल जाए तो भी बड़ी बात है। अभी ऐसे मैं समझना कि ये मतलब डिस्प्ले से फ्लक्चुएट कर रही है, नहीं भाई ये कैमरे में FPS का फर्क रहता है, ये 60 FPS पे रिकॉर्ड हो रहा है और ये इसका डिस्प्ले रेट कम होगा इसलिए ये ऐसा फ्लक्चुएट कर रही है, क्योंकि ये ज़्यादा फ्रेम पकड़। तो बहुत देर हो गई भाई, सही में मेरे तो स्टोरेज भी फुल हो गई थी तो मैंने वो डिलीट करके आया, अब भी नहीं खुल रहा है भाई। अब देख लो यार, अब इकोसेंस में अगर हम जाते हैं तो ड्राइवर के वो बताता है पूरा बिहेवियर, उसने कैसी चलाई है, स्पीड, इंस्टेंट स्कोर और ये सब, गियर वगैरह, आइडलिंग, एक्सलेशन, मतलब एक तरीके से हमको जज करता है कि हम इसको कैसे ड्राइव कर रहे हैं। तो ये सही है, मतलब अगर आपको ऐसे ढंग से एक बार हिस्ट्री में भी बता देता है कहाँ कहाँ गाड़ी गई आपकी, कहाँ नहीं गई, ट्रिप चार्ट बता देता है, तो ये काफ़ी देखने में काफ़ी कूल सा लगता है ये सारा चीज़ है कि यार गाड़ी कितने हमको नोटिस कर रही है। तो ये चीज़ सही में अच्छी है, लेकिन भाई प्रैक्टिकल वाली चीज़ थोड़ी कम है, मतलब कौन इसको चेक करता होगा, हो सकते बहुत लोग करते भी हो, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो मैं नहीं करूंगा भाई कभी इसको देखूंगा कि इसमें। वैसे तो बहुत सारे फीचर है, हार्स ब्रेकिंग कितनी बार हुई है, एग्रेसिव एक्सलेशन कितनी बार हुआ है, तो ये तो बहुत ही बार हुआ है भाई, क्रूज कंट्रोल यूटिलाइजेशन कितनी बार हुआ, तो ये तो काफ़ी सही है, काफ़ी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। ये चीज़ें होती हैं प्रैक्टिकल, मतलब अगर आप इनकी जगह इसको लैगी बनाने की जगह इन चीज़ों को हटा, मतलब लैगी नहीं है भाई ये, मतलब स्मूथ बहुत है, बहुत स्मूथ स्क्रीन है, इन चीज़ों को देने के बजाय ये सब चीज़ें दो केवल तो कितना बढ़िया लगे। फ्रंट व्यू कैमरा है हमारा, आगे का कैमरा खुल के आ जाता है, ये देखिए ये आगे जो अपना चल रहा होगा वो वाला कैमरा इसमें अंदर आ जाता है। इसको भी आप ऐसे छोटा बड़ा और इस तरीके से पूरा कर सकते हो अपना, राइट का लेफ्ट का व्यू आपको चाहिए। मैनेजर भैया फट जाओ, मैनेजर ऐसे ही होते हैं सुस्त सबके। यहाँ पे गैलरी में अगर आप जाओगे तो गैलरी में क्या आएगा, ये देखो माई फोटोज ड्राइव, जो आप जो फोटो खींचते हो ना कैमरे की वो निकल के आएंगे। ये देखो जैसे इसमें क्या रहता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट, मैं जैसे ही बैक कैमरा लगाऊंगा तो यहाँ पे एक ऑप्शन बन के आता है क्लिक करने का, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जो फोटो अपनी स्क्रीन कैप्चर हो गई है तो वो उस गैलरी में जाके स्टोर हो जाती है, तो वो वाली चीज उसमें दिखती है। क्या है यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे एक आध फोटो को जैसे गलत कैप्चर हो गए, तो ये फोटोज जो जो खींची है आपने, कभी आपको किसी का कुछ भी लेना हो प्रूफ व्रूफ तो सही है यार, फोटो वाला चीज सही है। होरोस्कोप आपको अपनी वो जाननी है क्या, आपकी लकीरें, अरे इतनी एक्टिंग करने किसने कही है, अरे ला तेरी लकीरें बताऊं तो 12th में पास होगा या फेल होगा, दिखाना क्या यहाँ पे होरोस्कोप भी आता है हमारी गाड़ी में, ये इसने दिखा दिया है भाई, ये होरोस्कोप नहीं खुलता, मैं आपसे क्यों झूठ बोलूं, आप ये कभी नहीं खुल पाएगा होरोस्कोप वगैरह वाली चीज, मतलब जो ये वाली एप्स है ना ये कभी नहीं खुलते, जस्ट डायल में खोलूंगा ये खुलेगा ही नहीं, बस इसका आइकन बनाएगा, पता नहीं अब इनका क्या चाह रहे हैं ये। वो ये पैसे दे के कंपनियों से डाल दो फीचर जो ब्लोटवेयर होता है, जो बग्स, जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल के लिए बताता हूँ, जैसे अब मैं इस फोन को कभी भी सैमसंग के को अपडेट मारूंगा ना, तो इसमें दुनिया भर के मौज, टकाटक और ऐसे ऐसे ऐप्स अपने आप फेसबुक अपने आप डाउनलोड हो जाते हैं जिनके हमको जरूरत भी नहीं है, जैसे नेटफ्लिक्स हो गए, ये मर्ज हो गया, ये जियो सावन हो गए, ये सारे ऐप्स ना ऐसे हैं जो हमने डाउनलोड ही नहीं करे, आप अपडेट कर लो इस फोन को, उसके बाद ऑटोमेटिकली वो ऐप आ जाते हैं, फिर आपको हटाने पड़ते हैं, जो सस्ते फोन यूज करते हैं हमारी तरह उनको पता होगा ये वाली शिकायत रहती है। तो यही इसमें है भाई, ये ब्लोटवेयर फालतू के डाल रखे हैं, कोई भी ऐसा ईमानदार कंपनी होगी ना जिसको अपनी रेप्यू की पड़ी है भाई, वो कभी इन हरकतों को नहीं करता। माई ड्राइव मैनेजर यहाँ पे दे रखा है तो इसमें भी मतलब वही फोटो वीडियो स्टोरेज कितनी है इसके अंदर देखूं क्या, अरे 2GB की है इसके अंदर, मतलब इससे हम कॉपी वोपी कर सकते हैं फोटो वीडियो, मतलब आपको पेन ड्राइव लगाने की जरूरत नहीं, तो इसमें डाल लूंगा कुछ मनपसंद के गाने। वैसे एलेक्सा वलेक्सा है इसमें, वो भी मैं चलो उसके बारे में बात बताऊंगा आपको। माई SUV इन्फो में आप जाते हो तो कुछ भी नहीं आता इसमें, देखो डाउनलोड फेल्ड प्लीज ट्राई अगेन, तो इसमें मेरे ख्याल से जब हम मतलब उन्होंने कुछ करके ही नहीं दिया, यहाँ पे एक्शन रिक्वायर्ड करके आता है, अभी इसमें वो एड्रेनोक्स कनेक्ट नहीं है ना, उन्होंने कराई नहीं महेंद्र वालों ने, तो वो शायद आएगा यहाँ पे
इंडिया टुडे दे रखा है न्यूज अपडेट के लिए, ये भी नहीं चलता, ये देख लो। जितने भी थर्ड पार्टी ऐप्स है ना, नहीं चलता कोई सा भी भाई, बस ऐसे आइकन बन के आ जाता है, यहाँ पे ओनर्स मैनुअल पे क्लिक करूंगा तो वही वाली चीज है, फिर से वो नहीं आएगी, नो कंटेंट अवेलेबल। ठीक है, सारे एक टू जेड मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ से रिवर्स व्यू कैमरा आ जाएगा, ये देखो रिवर्स व्यू कैमरा आ गया। इसको भी आप ऐसे एंगल वेंगल अल्ट्रा वाइड आगे पीछे साइड सूड का देखना है, ये आप देख सकते हो। इसके अलावा ये टिकट टेप आता है, ये तो हमने आज तक सुना भी नहीं कि टिकट टेप है क्या, सही में सुना ही नहीं है भाई। मतलब ये चलो इंडिया टुडे वुडे और होरोस्कोप तो जब भी पता है कि ये ऐप होते हैं फोन में, कभी कभार यूज करे होंगे, लेकिन ये टिकट टेप क्या है, नहीं खुलेगा कभी भी, अपना और मेरा टाइम वेस्ट करवाना है। ट्रेवल एक्सप्लोरर कभी नहीं खुलेगा, देखो thelopelia.com पता नहीं क्या ही है ये, नहीं खुलेगा कभी भी। इसके अलावा मैं कोई और ऐप खोलूंगा तो यूजर प्रोफाइल में अगर हम जाते हो तो देखो ये यूजर प्रोफाइल कहाँ पे चीज घुसा रखी है, आकाश पवार अरुण पवार ये इस तरीके का है जो एपी बन के आता है, बस यही है, इसमें कुछ भी नहीं होता, इसमें कोई वेलकम सीट तो है नहीं कि वो हमारे हिसाब से एडजस्ट होगी तो वो वाली प्रोफाइल हम बना लो, ऐसे कुछ भी नहीं, नाम लिख के आता वेलकम अरुण पवार, ऐसे कुछ भी नहीं आता। वेदर अपडेट में जाओगे नहीं चलेगा कुछ भी, मतलब वो ये बस इनका आइकन बन के आता है, फिर आप गाड़ी को एक घंटा स्टार्ट खड़े रखो, कुछ भी इससे आगे स्क्रीन में नहीं जाएगा। यही हाल XUV700 का भी है। तो इनकी ये एस डिस्प्ले को देख के और इतनी एप्लीकेशन देख के कोई भी इन चीज़ों में चक्करों में ना पड़े। वर्ड 3 वर्ड्स में अगर आप जाओगे ये भी सेम वाला हाल है, अब इसका बन के आ जाएगा, इससे आगे कुछ नहीं होगा। ये तो फालतू, ये तो वो टाटा वाले भी इसको यूज़ करते हैं, पता नहीं कितना ही पैसा खिलाते हैं इन लोगों को। जोमेटो की अगर आप बात करते हो तो जोमेटो से हम पता क्या खाएगा, अरे यार क्या खाएं, कुछ भी खाने का मन नहीं है। आजकल के बच्चे इतनी ओवर एक्टिंग करते हैं ना, मुझे देख के काफी ऐसे लगता है कि क्या करेंगे अपनी जिंदगी में यार, ओवर एक्टिंग बन के अनन्या पांडे बनना है क्या आपको, स्ट्रगल गिनवाया करोगे बेइज्जती करवा के आया करते थे हमें। नहीं नहीं नहीं, चल अभी हम बात ही कर लेते, चल देख लेते हैं एक ऐप को, देख लेते हैं खुलता है नहीं खुलता है जोमेटो का। तो आप बताओ इतने आपकी फेवरेट डिश क्या है जोमेटो की? बटर नान, पनीर एंड। कितना फालतू आलतू फालतू आदमी है यार, क्या फालतू बकवास करे जा रहे हैं भाई। यार ये खुलता ही नहीं यार, नहीं खुलता भाई ये, शिट मैन नहीं खुलता भाई। जोमेटो वो लास्ट, ये इन्होंने JMLNOPQ ऐसे अल्फाबेटिकली जोमेटो लास्ट में आया तो इस तरीके से एडजस्ट करे हैं। तो भाई ये बस ये फीचर्स है इसके अंदर, इसके अलावा तो भाई अगर मैं सेटिंग्स में जाऊं वहां पे फिर आपको दिखेंगे। देखो जनरल है, सबसे पहले जनरल में आपका क्या कौन सी अपना यूके यूएस कहाँ से आप पढ़े हो वो आप कर सकते हो, सॉफ्टवेयर अपडेट में आप ऑटोमेटिकली इसको डाउनलोड पे लगा दो तो हो भी सकता है, लेकिन आपको अच्छा यही रहता है कि आप वहाँ पे जाके करो, क्योंकि इसकी सिम भाई फास्ट है लो है पता नहीं। डिस्प्ले में अगर आप जाते हो तो आप नाइट की ब्राइटनेस, जब आपकी हेडलैम्प ऑन रहती है तो कितना चाहते हो वो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। देखिए मैं थोड़ा सा 3 पे रखता हूँ, इतने पे भी बहुत कम रहता है, तो ये 3 पे मेरे ख्याल से बेस्ट रहता है मेरे अकॉर्डिंग जो मैं देखता हूँ। तो यहाँ से अगर आप चेंज करोगे तो ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसका पूरा बढ़ता है, देखिए ऐसे नहीं केवल इसका बढ़ रहा है इसका भी बढ़ता है। तो मैं 3 पे करता हूँ क्योंकि 0 पे बहुत ही कम सा हो जाता है। पावर एंड स्लीप, ये मतलब कितनी देर बाद आपका स्क्रीन सेवर ऑन हो, अगर आपकी डिस्प्ले एक्टिव हो जाती है और आप स्क्रीन सेवर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। क्लॉक टाइप आप मतलब आपको डिजिटल चाहिए एनालॉग चाहिए वो आप कर सकते हो यहाँ से सेलेक्ट। और अरे अपने आप कैसे हो गया ब्राइटनेस कम। और होम लेआउट भी आप मतलब देख सकते हो, आप रीसेट वगैरह कर सकते हो, वो कैसे एडजस्ट करनी है। डेट एंड टाइम में आपको वो 24 घंटे चाहिए 12 घंटे चाहिए, और ये GPS से सिंक रहे ये वाली चीज़ अच्छी है क्योंकि इसके अंदर सिम है तो वो चीज़ अच्छी है। और अपना टाइम 5:30 वाला कोलकाता वाला इसमें एडजस्ट, हाँ ये इंडिया स्टैंडर्ड टाइम जो है 5:30 का वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड रहता है। ऑडियो में अगर आप जाते हो तो 3D साउंड का सिस्टम आता है क्योंकि इसके अंदर सोनी के 12 स्पीकर सिस्टम आ रखा है ना, तो इसमें भाई पार्टी स्टेज इमर्सिव ब्रूजी ये इमर्सिव ये सब कुछ है। म्यूजिक के बारे में डिटेल में एक और वीडियो बनाऊंगा इंडो वाले चैनल पे, ये आपको डिटेल में स्कॉर्पियन के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पे मैं पार्टी सुनता हूँ साइल्फ और ये बीच में रहता है। और अगर आप मेरे से पूछो ये मैंने साइल्फ मतलब ये बड़ा कर रखा है आपको ज्यादा आवाज सुनाई दे, अगर आप मेरे से पर्सनली पूछो इसकी बेस्ट सेटिंग क्या है इस म्यूजिक सिस्टम से लेके, तो मैं इस पे अपना सुनता हूँ भाई गाने, आप देख सकते हो क्योंकि मेरे को इसी पे थोड़ा सा मजा आता है, बाकी तो इसके स्पीकर कैसे मैं बताऊंगा। ये देख सकते हो यहाँ से आप डिजिटल साउंड इनहेंसमेंट इंजन को ऑन कर सकते हो, या तो इसमें साउंड डिपेंडेंट वॉल्यूम कंट्रोल हाई कर रखा है मैंने अपना, हाई पे जाके मतलब हाई स्पीड पे जाके वॉल्यूम अपने आप कम हो ज्यादा हो जाती है और कम स्पीड पे लो हो जाती है। वॉल्यूम सेटिंग हो गई भाई, कितनी आपको चाहिए फोन की नोटिफिकेशन की और मीडिया की एलेक्सा वगैरह की, तो ये वही वाला सिस्टम है आपको कौन सा क्या चाहिए, यहाँ से आप अपना रीसेट कर सकते हो ऑडियो सेटिंग्स को। तो
अब चलते हैं एलेक्सा में। एलेक्सा हमारी एक्टिवेट है ही नहीं, मैंने आपको बताया, इसको मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप नई गाड़ी लेते हो, डीलरशिप वाले नहीं करते आपके हमारी तरह, तो आप कैसे इस तरीके से गेट स्टार्टेड करके इसको चला सकते हो। तो इस तरीके से अब इसको हटा देते हैं, सेटिंग्स में मैं फिर से जाऊंगा। फोन में वही ब्लूटूथ वाला खुल जाता है, कौन कौन से डिवाइसेस के अंदर कनेक्टेड हैं, एड लिस्ट आपको करना है, रिंगटोन्स वगैरह कौन से आपको बदलनी है, अगर कॉल आएगा फोन पे तो कौन से इसमें बजे, तो वो वाला आपको यहाँ पे दिखेगा। अरे हट जा सेटिंग्स में। उसके बाद व्हीकल पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे देखिए आपको सिलेक्टिव अनलॉक मिलता है, मतलब वो वाली चीज इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये चीज मेरे को इरिटेट लगती है। केवल एक बटन, मतलब एक बटन पे खुलता है ड्राइवर वाला, दो बटन पे खुलेंगे सारे, तो ये मैं चाहता हूँ कि एक पे मेरे सारे खुल जाएं क्योंकि बार बार थोड़ा इरिटेटिंग लगता है वो वाला चीज़। सर अपॉन एक्टिवेट डिसेबल द व्हीकल, ये वाला ठीक है। और यहाँ पे अपन DRL वगैरह जलते रहते हैं ऑटोमेटिकली फॉर, मतलब DRL जलते रहता है आपके दिन में भी, ऐसा वाला सिस्टम इसके अंदर। यहाँ पे यूजर इनपुट एंड फीडबैक में आप जाओगे तो आपको यहाँ पे भाई दुनिया भर के आलतू फालतू चीजें मिलेंगी कि आपको जब आप टच कर रहे हो तो वो ऐसा टक टुक 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 वाली चीज मिले ना मिले, मेरे को नहीं पसंद, तो मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, इसको हटा दो। वाईफाई में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे देखते हैं वाईफाई में क्या आता है, इनेबल वाईफाई। अच्छा वाईफाई से क्या होगा, वाईफाई डिवाइसेस में जाऊं तो क्या ये नेट से कनेक्ट हो जाता है क्या, पता नहीं यार इसका तो वाईफाई का, इसमें नेट शेयर करेगा या नहीं इसका, तो सॉरी भाई मेरे को नहीं पता। ये इको सेंस वाली वो हो गई कि आपको भाई रीसेट करना है लोकेशन ट्रैकिंग और सिंक विद ऐप करके, ऐसे सारे फीचर्स आते हैं। तो यही है भाई यार इस इंफोटेनमेंट के सारे फीचर्स। तो अभी आप बताइए आपको क्या कैसा लगा ये, इसके जो फीचर्स हैं ये वाले एनिमेशन बहुत अच्छे हैं भाई इसके, प्लस जो इसकी स्मूथनेस है वो भी काफ़ी सही है, लैग भी नहीं करता एकदम, देखो बटरी स्मूथ आपको मिलता है, एकदम आपके इशारों पे चलता है फ़ोन, म्यूज़िक वगैरह एकदम एंड्रॉयड वाली फील आती है कि हाँ पर एंड्रॉयड कोई टैबलेट चला रहे हो, चाइनीज़ वाली फील बिल्कुल भी नहीं आती है, सारा कुछ सिस्टम सही है। बस जो ये गिमिकी से फीचर्स है ना, ये ओवर हाइप्ड हैं, ये तो कभी मैं यूज़ भी नहीं करता, बस केवल आपको आज दिखाने के लिए मैंने ऑन करे। बस इसमें क्या रहता है कि अपना म्यूज़िक कनेक्ट करो आईपॉड से, क्योंकि मैं एप्पल यूज़र हूँ तो फ़ोन भी चार्ज होता रहता है और मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ एप्पल कारप्ले। अगर महिंद्रा को इस वीडियो को देख रहा है तो हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज़ इसमें कारप्ले जल्दी ले आओ, हम भी सुख पाएंगे और आप भी सुख पाओगे, तो जल्दी करो भाई। और ये सारे फीचर्स हैं, अभी कोई अपडेट आता है उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या क्या मिलता है, अभी 10 पॉइंट कुछ होगा मेरे ख्याल से इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर अपना एंड्रॉइड ऑटो। वीडियो देखने को धन्यवाद, थैंक यू सो मच।